हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो वीडियो जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो वीडियो है इंडिया विल इंडिया बिकम भारत। तो चलो चलें देखते हैं वीडियो में क्या क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। रहेगा हमारे साथ। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका नाम। हमें कितना बुरा लगता है अगर कोई हमारा नाम भूल जाए। हमें कितना अच्छा लगता है कि सिर्फ एक बार की मुलाकात के बाद कोई हमारा नाम याद रख ले। हमें कितना गुस्सा आता है कि अगर कोई हमारा नाम बिगाड़ कर हमें बुलाए। तो ये तो इंसान की बात है। सोचिए जरा, अगर एक देश का नाम बदल कर उससे उसकी पहचान ही छीन ली जाए, उसे उस नाम से पुकारा जाने लगे जिसका उसकी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, जिस नाम के कोई मायने नहीं, और उससे भी बड़ी बदनसीबी उस देश को आज़ाद हुए 75 साल बीत जाएं और उसके हुक्मरानों को कभी ये बात बुरी ही न लगे, उन्हें ये कभी ख्याल ही ना आए कि इस गलती को ठीक करना चाहिए। मगर आखिरकार वो लम्हा आने वाला है जब इस गलती को शायद ठीक कर दिया जाए। जी हाँ, खबर है कि 18 से 22 सितंबर को बुलाए गए विशेष सत्र में केंद्र सरकार संविधान संशोधन कर देश का नाम इंडिया से भारत कर सकती है। अभी भी कंफर्म नहीं है। वैसे तो इस बात की चर्चा कई दिनों से गर्म थी, मगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के G20 देशों के प्रमुखों को भेजे डिनर इनविटेशन कार्ड पर जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो एक तरह से इस पर मुहर लग गई। इस इनविटेशन कार्ड के क्यों नाम चेंज कर रहे हैं? मच गया। कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगा रही है कि विपक्षी पार्टी इंडिया को भारत कर रहे हैं ना। गठबंधन का नाम इंडिया रखने से मोदी सरकार डर गई और इसी वजह से वो देश का नाम ही बदलने वाली है। केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कल को विपक्ष अपने गठबंधन का नाम भारत रख लेगा तो क्या सरकार देश का नाम बीजेपी रख देगी। इसके अलावा भी न जाने और क्या कुछ कहा गया। तो आज के फनतंत्र में हम इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि इस देश के भारत नाम रखे जाने के पीछे कहानी क्या है। ये भी बताएंगे कि कैसे वेद पुराणों में सैकड़ों सालों से भारत नाम का जिक्र है। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर मैं क्या सोचता हूँ, अपनी राय अपनी ओपिनियन भी बड़ी बेबाकी से आपके सामने रखूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो सही लगे पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा और भी लोगों तक पहुंचाइएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र, मैं हूं रौनक। दोस्तों, हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा में हर चीज के मायने हैं। यहाँ कुछ भी ऐसे ही नहीं है, हर चीज का अपना एक विधान है। फिर चाहे वो खान पान हो, योगासन हो, पूजा पद्धति हो, हर चीज का एक नियम है, उसके पीछे गहरा दर्शन और विज्ञान है। तो सोचिए जरा, उस सनातन परंपरा में जब अपने भूखंड या राष्ट्र का नाम रखने की बारी आई होगी तो उसके पीछे क्या कोई सोच विचार नहीं होगा क्या? भारत मीन्स भारत, भावा मीन्स सेंसेशन आउट ऑफ विच कम्स इमोशन, रा मीन्स रागा और द ट्यून, द ट्यून इज नॉट योर्स, द एग्जिस्टेंस इज ऑलरेडी सेट द ट्यून. Now you have to just find the rhythm, which is the thala. If you find the right rhythm, you are a fantastic human being. If you miss the rhythm, you're crushed by the process of life. So we called this nation Bharata. सैकड़ों सालों तक इस देश की पहचान भारत नाम से ही रही। इसके बाद मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए और उन लोगों ने सिंधु घाटी से प्रवेश किया तो वो लोग स अक्षर का उच्चारण ह बोलकर करते थे। इस तरह सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। इसी से देश का नाम हिंदुस्तान हो गया और बाद में हिंदू शब्द की वजह से इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और उसी इंडस वैली से देश का नाम इंडिया कर दिया। वैसे भी उनको भारत या हिंदुस्तान कहना मुश्किल लगता था तो उन्होंने देश को इंडिया कहा। अब सवाल यह है कि जब देश पर बाहरी लोगों का कब्जा था और उन्होंने अपनी सहूलियत अपने कंफर्ट के बेस पर देश का नाम बदला तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। वैसे भी कहा जाता है कि जब भी कोई देश दूसरे देश या कल्चर पर कब्जा करता है तो सबसे पहले उससे उसका नाम छीनकर उसकी पहचान बदल देता है। ऐसा ही भारत के साथ भी किया गया। मगर जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि जिस दिन ये देश आजाद हुआ उसी दिन देश का नाम फिर से बदलकर भारत कर देना चाहिए था, मगर बजाय उस गलती को ठीक करने के हमने इस इंडिया नाम को अपनी पहचान बनाकर अपने माथे पर चिपका लिया। अपने बैंकों, अपनी सार्वजनिक कंपनियों, अपनी योजनाओं के नाम इसी नाम से जोड़कर उसे पूरी तरह कबूल कर लिया। सच तो ये है कि एक बार जब हमने इंडिया नाम एक्सेप्ट कर लिया तो हमें इस नाम से कोई चिढ़ भी नहीं थी। लेकिन ये भी सच है कि जब एक देश के तौर पर ओलंपिक या कोई दूसरा खेल खेलने हम जाते हैं और दूसरे हमें इंडिया के नाम से बुलाते हैं तो क्या वो इंडिया हमारी पहचान है? आखिर हमने ये क्यों कबूल कर लिया कि हमारी क्रिकेट टीम का नाम इंडिया हो, हमारा रिजर्व बैंक इंडिया होगा, दूसरे देशों में हमारी पहचान भारत नहीं इंडिया के तौर पर होगी? आखिर दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो आज भी उसे गुलाम बनाने वालों का दिया नाम ढो रहा है? बताइए कौन सा ऐसा देश है जिसके नाम का उसके कल्चर से कोई लेना देना नहीं है?
ये समझ से परे है कि जिस देश के संगीत से लेकर नृत्य कलाओं में शास्त्रीयता है, जिसके खान पान की भी अपनी देसी पहचान है, वो एक कंट्री के तौर पर इतने सालों से उधार का नाम ढो रहा था। यही सब वजह रही कि कई सालों से हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया शब्द हटाने की बात होती रही है। मजे की बात यह है कि जो कांग्रेस आज इल्जाम लगा रही है कि उसके इंडिया गठबंधन से घबराकर बीजेपी देश का नाम बदल रही है, उसी कांग्रेस के पूर्व सांसद शांताराम नाइक 2012 में बिल लाकर इंडिया नाम बदलने की मांग उन्होंने की थी। दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु भी इंडिया के नाम को भारत में बदलने की बात कह चुके हैं। Did we make a mistake then in converting our name from Bharat to India? A serious mistake. बीजेपी सांसद नरेश बंसल और हरनाथ सिंह यादव भी देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की मांग कर चुके हैं। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट मेंबर बिल लाकर इंडिया नाम को बदलने की मांग रखी थी। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर यह मांग की गई थी कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, इसलिए उसे हटा दिया जाए, और तब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देकर याचिका को खारिज कर दिया था। ये सच है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने को कुछ लोग पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं, मगर ये भी सबके सामने है कि पिछले काफी वक्त से मोदी सरकार ने एक एक कर अंग्रेजों के वक्त की कई परंपराओं को बदला है। इसी मोदी सरकार के वक्त बीटिंग रिट्रीट की धुन को बदला गया, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्लेन पर भारत शब्द जोड़ा गया, और जब ये सब काम किए गए उस दौरान तो इंडिया गठबंधन कहीं था भी नहीं। हैरानी यह है कि इसी इंडिया गठबंधन में शामिल कितनी ही पार्टियों ने अपने अपने स्टेट में अपने शहरों के नाम बदलकर उन्हें उनके पुराने नाम दिलवाए हैं। क्या मद्रास को चेन्नई नहीं किया गया, बॉम्बे मुंबई नहीं हुआ, कैलकाटा कोलकाता नहीं हुआ, या बैंगलोर को बेंगलुरु नहीं किया गया? ये बात समझ से परे है कि शहरों को उनकी असली पहचान दिलाने के नाम पर उनके नाम बदले जा सकते हैं, तो देश को उसकी पहचान दिलाने के नाम पर उसे उसका असली नाम क्यों नहीं दिया जा सकता? और उससे भी मजे की बात यह है कि जो पार्टियां आज इंडिया का नाम भारत करने पर इतना तिलमिला रही हैं, इनमें से ज्यादातर पार्टियां वही हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों में शहरों के नाम बदले हैं। इसलिए एक तरफ अगर पॉलिटिक्स को साइड में रख दें तो लगभग हर फील्ड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने इस नाम बदलने का वेलकम किया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब ने इस खबर के फौरन बाद भारत माता की जय लिखकर ट्वीट किया। गावस्कर साहब ने भी देश का नाम भारत करने को सही बताया। वीरू भाई ने तो यहां तक कह दिया कि टीम इंडिया का नाम बदलकर टीम भारत किया जाए। अब सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज खुलकर अपने इमोशन का इजहार कर रही हैं, खबर आने से पहले ही उसे अपना अप्रूवल दे रही हैं, तो आम आदमी जिस पर वैसे भी अपने इमोशन छिपाने का कोई प्रेशर नहीं होता, उसकी खुशी का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। Like this India, what does it mean? It doesn't mean anything. So if I give you a meaningless name, you will become a meaningless stupid person in front of me because I have a meaningful name, I have a tradition, I have a culture, you have nothing. दोस्तों, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, कृष्ण जन्मभूमि का, या फिर इंडिया को भारत करने का, जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि भाई ये मामले तो बहुत पुराने हो गए हैं, हमें इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मैंने ज्ञानवापी मामले के वक्त भी कहा था कि जिस मानव जाति का इतिहास लाखों सालों का है, उसके लिए 400-500 सालों की बात कल परसों की ही बात होती है। हमारी आपकी एवरेज एज 70-80 ईयर्स है, इसलिए 400-500 साल की बात जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, मगर जब हमारे महान कल्चर को हम देखते हैं, उसके अतीत को समझते हैं, तो बिल्कुल ये दिल नहीं करता कि हम इन गलतियों को भूल जाएं। 2500 साल से ज़्यादा पुराने विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं फैली हुई हैं। विष्णु पुराण में ये भी लिखा है कि ऋषभ देव ने जब वनवास लिया तो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे भरत को उत्तराधिकार सौंप दिया। कहा जाता है कि उन्हीं भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ये भी माना जाता है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। वहीं भरत नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। यह भी दावा किया जाता है कि सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका या हिस्सा भी होता है। इसके अलावा सबसे प्रचलित मान्यता यह रही है कि दशरथ पुत्र और प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। रामचरितमानस के अनुसार भरत ने श्री राम के वनवास चले जाने के बाद उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाला, लेकिन कभी खुद राजा नहीं बने। उनके त्याग और निस्वार्थ प्रेम ने उन्हें एक महान राजा बनाया। उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत हुआ। वहीं एक मान्यता यह भी है कि नाट्यशास्त्र में जिन भरत मुनि का जिक्र है, उन्हीं के नाम पर देश का नाम रखा गया। इसी तरह मत्स्य पुराण में भी उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उनका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। अब ये इतिहास है देश के भारत नाम होने का। ये मान्यताएं और तथ्य हैं इस नाम के पीछे,
और कुछ लोग चाहते हैं कि हम इन तमाम मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और अपने अतीत को दरकिनार कर दें क्योंकि मामला थोड़ा पुराना हो गया है। मेरा ख्याल पूरे बरेसगीर में करने वालों को अतीत का ज्ञान नहीं है भी थी, या उसके बाद बादशाहों में भी कोई पाकिस्तान में भी थी, मगर कुछ लोगों की नासमझी यूनियन के बाद में ये नजर आता हुए हैं सारे, और गौरव तो नहीं झेल सकता ना, बताइए। व्हेन समबडी ऑक्युपाइज अ नेशन, एनी कॉन्करिंग फोर्सेस, फर्स्ट थिंग दे विल डू इज दे विल चेंज योर नेम। This is the technology of dominance. This is the technology of enslaving. If you look at the African-American history, when African people were brought in, the first thing is at the port, their names were changed. That's what has been done to us. इतना ही नहीं, इसी भारतवर्ष के भारत के अलावा और भी कई नाम हैं जिनका जिक्र हमारे पुराणों में मिलता है। विष्णु पुराण में ही भारत का एक और नाम जम्बूद्वीप बताया गया है। विष्णु पुराण के अध्याय दो में इस बात का जिक्र है कि जंबू वृक्ष के फलों को हाथी जितना बड़ा बताया कमेंट करके कहा जाता है कि जब ये सड़ जाते हैं और पहाड़ों की चोटी पर गिरते हैं तो उनके रस से एक नदी बन जाती है। उस नदी और उसके आसपास की जगह का जिक्र जंबूद्वीप के नाम से किया जाता है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि आर्य इस देश के मूल निवासी थे और मध्य पूर्व एशिया से यहाँ आए थे, उन्हीं के नाम से इस देश को आर्यावर्त भी कहा जाता है। इसके अलावा वेद पुराणों और महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भरत खंड नाम दिया गया है। इसी तरह हिमालय के नाम पर भारत को पहले हिमवर्ष भी कहते थे। देखिए, हम चाहते तो इस वीडियो को सिर्फ भारत और इंडिया विवाद पर ही लिमिटेड रख सकते थे, मगर हमें यह लगा कि जिस भारत नाम को आज हम इतना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, हमारी आज की जनरेशन को भी ये पता लगे कि उस भारत नाम के पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं, उसके अलावा भी इस देश को किन किन नामों से जाना गया। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। बाकी इंडिया का नाम बदलकर भारत करने को लेकर जो बातें चल रही हैं उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। आपको क्या लगता है, सच में देश का नाम ऑफिशियली इंडिया से भारत कर दिया जाए या इसे ऐसा ही रहने दिया जाए? इस मामले में आपकी जो भी राय या सुझाव हो उसे जरूर शेयर करिएगा। तो बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों ये थी वीडियो। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि वहाँ की जो पार्लियामेंट के वो लोग हैं वो क्यों इस बात को ऐसे कर रहे हैं कि इंडिया को भारत नहीं करना चाहिए। हालांकि इसमें बता रहा है कि जो इसका ओल्ड नेम था वो भारत ही था, लेकिन बाद में इसको जब नई जनरेशन आई है आगे आगे जैसे आते गए हैं साल, इसको ना फिर इंडिया में तब्दील कर दिया गया। नई जनरेशन नहीं आई जब अंग्रेजों ने मेरा ख्याल इसका नाम इंडिया रखा था। हाँ, अंग्रेजों ने रखा था इसका नाम इंडिया। तो वैसे यार जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इसका नाम इंडिया ही था, शुरू से इसका नाम इंडिया रखा गया था। आप पता नहीं क्यों चेंज कर रहे हैं, या तो उसी वक्त चेंज कर देना चाहिए था। शायद कोई वजह होगी जिस वजह से इनको ये चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि जो अमिताभ बच्चन है या कुछ जो लोग यहाँ पे खुले हुए हैं, जो लोग बड़े हैं ऐसे एक्टर्स वगैरह, वो कह रहे हैं कि इसका नाम भारत रख देना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसको इंडिया ही रहने देना चाहिए। लेकिन हमें तो ज़्यादा नहीं इसके बारे में पता, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा कि इसका नाम भारत क्यों रखा जा रहा है और इंडिया से क्यों इसको हटाया जा रहा है। अगर और आप कौन सा नाम रखना चाहते हैं, आपको कौन सा नाम पसंद है, इंडिया या भारत? हमें तो वैसे इंडिया पसंद है। इंडिया नाम ठीक है यार, इंडिया नाम अच्छा, लेकिन है। भारत मेरे ख्याल में ना जो भारत कह रहे हैं ये ना, ये इनके जो पुराने लोग थे, इनके जो जिसको कहते हैं वो यार पंडित वगैरह, ये ऐसे जो पुराने लोग थे उनकी वजह से शायद इनका कल्चर होगा इसमें भारत जो इसको। नहीं यार, इंडिया जब से बना है तब से इंडिया ही नाम है, तो वही अच्छा लगता है बोलने में भी सुनने में भी। नहीं, नाम चेंज होगा तो थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगेगा। कई दफा भारत भी सुना है कई लोगों के मुंह से, जैसे फिल्मों में ना कई एक्टर्स भारत का नाम लेते हैं, ज्यादातर तो इंडिया ही कहते हैं। चले फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको भारत नाम अच्छा लगता है या इंडिया से आप भारत करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये था हमारा रिएक्शन वीडियो, आई होप यू रियली लाइक इट। इफ यू लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।